वार्ड 96 के पार्षद जरीना खातून से क्षेत्र की जनता नाराज। चकेरी के जाजमऊ क्षेत्र रसूलाबाद में सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता परेशान है। वार्ड नंबर 96 पार्षद जरीना खातून से शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही है क्षेत्र में सफाई, जिसकी सूचना मिलने पर विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद कामरान मौके पर पहुंचे और संबंधित विभाग नगर निगम अधिकारियों से बात की और क्षेत्र की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया। क्या समस्या है आपको यहाँ पे? घर पे पानी आ जाता है ये नाली का। तो आप? हाँ बोलिए बोलिए। बच्चे भी बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं, गिर जाते हैं बाहर अंदर जाने में। ये कब से हो रहा है? आज जब से सीवर लाइन डल गया जब से होने लगा। अच्छा, ये यहाँ के पार्षद भी आ जाता पानी? अच्छा, यहाँ के जो पार्षद हैं जरीना, वो आती है कि नहीं आती यहाँ पे? जी हाँ, तो कोई नहीं है, पानी जब अंदर आया घर के। आपके घरों में पानी चला जाता? हाँ, अंदर तक आता पानी। तो आपने इसकी शिकायत कहीं करी? जी शिकायत तो नहीं, इसे बाहर कह रहे थे, लेकिन शिकायत इसी से नहीं करी। अभी तो जरीना आई, उनसे कहते कि भैया हमारे लोगों घर पे पानी आ जाता अंदर। जरीना ने कोई आश्वासन दिया आपको? नहीं, कभी तो नहीं दिया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामरान, पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड 96 जाजमऊ उत्तरी, मौजूदा विधायक प्रतिनिधि का है। भैया ये मोहल्ले ये रसूलाबाद में आप आए, क्या समस्या क्या है यहाँ पे? ये रसूलाबाद वार्ड 96 जाजमऊ उत्तरी जोन 2 के अंतर्गत आता है, ये हमारी विधानसभा है और यहाँ पे कुछ दिन पहले नमामि गंगे के माध्यम से सीवर लाइन डलाई गई। यहाँ पे एक ओपन नाली है जो बरसात के पानी के लिए बनाई गई, इसी वजह से वो नाली भर गई है, जिसकी शायद जैसा जनता बता रही कि क्षेत्र पार्षद से कई बार शिकायत की गई लेकिन नाली की सफाई नहीं हो पाई है। हाँ। तो अब जनता ने शिकायत करी क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, तो ये आश्वासन हम दे सकते हैं कि 2-3 दिन के अंदर ये पूरी नाली की सफाई कराई जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद अपने ऊपर है और ऐसी जनता को भी है। यहाँ के पार्षद से लोगों को शिकायत है, जो आती है वो कोई काम नहीं करते, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अब क्योंकि वो पार्षद है, मौजूदा पार्षद है, उनकी दैनिक जिम्मेदारी तो बनती है कि क्षेत्र में अगर कोई समस्या है तो उसकी शिकायत जनता उन्हीं से करेगी। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है, आने वाले समय में जनता वोटिंग के हिसाब से उनको इसका जवाब दे देगी। हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, जो जनता का मौलिक अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा साफ हवा और साफ सफाई, उसका पूरी तरह हम लोग पालन कराएंगे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराएंगे, ऐसे में उम्मीद आपको भी रखनी चाहिए। थैंक यू। भैया क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि बारिश हो रही है, पानी काफी, नाली जाम पड़ा हुआ, कोई सफाई करने वाला कर्मचारी आता नहीं है। पुरानी नाली थी, पानी तभी तक तो बही रहा था, अचानक नाली चोक हो गया है। अब यहाँ कोई कर्मचारी आते नहीं है, सब किनारा पहुंचता है बिल्कुल लास्ट। मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम यहाँ के लिए भी जो है कोई कॉपर किया जाए, ताकि हमारी नालियां बंद है, वो पानी न्यूनतम तरीके से बहता रहे। ये कब से समस्या है आपको? नहीं, ये समस्या तकरीबन 15-20 दिन से है। यहाँ के पार्षद आती हैं? हाँ, जरीना को बुलवाया गया था, आए थे, वो तो देख के गई थी, लेकिन दोबारा उन्होंने इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया। अब हमें इससे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को हेडलाइट करें और इस नालियों को जो है सफाई करवाएं। आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।